हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुड़ के गुलगुले बनाना सीखेंगे। गुड़ के गुलगुले बहुत ही यमी और टेस्टी होते हैं और साथ ही साथ हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ये गुड़ के बने हुए होते हैं और सर्दी के मौसम में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुड़ के गुलगुले। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 2 कटोरी आटा ले लिया है और साथ ही साथ मैं इसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डालूंगी और यहाँ पे मैंने हरी इलायची का पाउडर ले लिया है जो कि 1 चुटकी लिया है और यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी गुड़ का पाउडर लिया है। आप यहाँ पर वो डेली वाली गुड़ को भी पिघला कर छान कर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और एक बैटर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो धीरे धीरे करके हम डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच सूजी ली है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा पानी डालकर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से फेटेंगे ताकि हमारा बैटर अच्छे से फूल जाए। हमें यहाँ पर सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे इतना फेटेंगे कि अपने आप ही फूल जाएगा। और इसको हमें अच्छे से फेटना है और आप देख सकते हैं कितना फटाफटा बैटर बन रहा है साइड से। तो इससे हमारा आटा फूलना स्टार्ट हो गया है। जितना हम फेटेंगे उतना ही हमारा बैटर अच्छे से रेडी होगा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छे से फूल गया है, सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे और अच्छे से चलाएंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं किस तरीके का बैटर तैयार हो गया है। गुलगुले का बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए यहाँ पे मैंने घी लिया है, आप यहाँ पे रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को कढ़ाई में अच्छे से गर्म होने देंगे। अब देख सकते हैं घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसे तलना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके बहुत ही आराम आराम से हमें इन्हें डालना है और इन्हें मीडियम आंच पर ही हमें इन्हें तलना है। उलट पुलट करके अच्छे से चलाते रहना है और आप देख सकते हैं बिना सोडे के कितने फूले फूले हमारे गुलगुले बने हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें तलना है। बाकी के भी गुलगुले इसी प्रकार से तल लेते हैं। आप देख सकते हैं इनको भी हमने ऐसे ही फ्राई कर लिया है। आराम आराम से इन्हें हम तलने देंगे और उलट पुलट करके तलेंगे और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं गुलगुले बनके बिल्कुल रेडी हैं। फूले फूले क्रिस्पी गुलगुले बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए इन्हें सर्व करते हैं। तो सर्व हम इन्हें हरी चटनी के साथ कर सकते हैं, अचार के साथ कर सकते हैं। आपको जिसके साथ भी अच्छा लगे आप उसको इंजॉय कर सकते हैं।
गुड़ के गुलगुले बनकर तैयार हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।